नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3ds Max ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं स्टीयरिंग व्हील के बारे में, कैसे आप स्टीयरिंग व्हील को यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टीयरिंग व्हील के लिए आपको जाना है व्यूज पे और यहां पे आपको मिलेगा स्टीयरिंग व्हील और इसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस W से भी आप स्टीयरिंग व्हील को एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप टॉगल कर देते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील्स को तो एक स्टीयरिंग व्हील आ जाता है आपके चारों व्यू पोर्ट में और जिस भी व्यू पोर्ट में आप कर्सर लेके जाएंगे उन्हीं व्यू पोर्ट में आपका स्टीयरिंग व्हील एक्टिव हो जाएगा। क्लियर। अब इस स्टीयरिंग व्हील में कुछ ऑप्शन है। एक तो आपके आउटर पे चार ऑप्शन है जिसमें आपका जूम, ऑर्बिट, पैन एंड रिवाइंड है और एक इनर में चार ऑप्शन है जिसमें सेंटर, वॉक थ्रू एंड लुक एंड अप डाउन है। इनको आप कैसे यूज कर सकते हैं? अगर मैं जूम की बात करूं तो आपको करना सिर्फ इतना है, अपना कर्सर जूम पे लेके जाएं, क्लिक करें और अपने व्यू को आप जूम कर सकते हैं। कहीं पे भी जाएं स्टीयरिंग व्हील आपके कर्सर के साथ ही मूव होगा। किसी भी व्यू पे जाएं, जूम पे क्लिक करें और जूम इन जूम आउट आप यहां से कर सकते हैं। क्लियर। अगर आप ऑर्बिट करना चाहते हैं तो ऑर्बिट पे क्लिक करें तो वहीं से आप ऑर्बिट कर सकते हैं। आपको किसी भी और ऑप्शन को चूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से ऑर्बिट कर सकते हैं, किसी भी व्यू पे जाके आप ऑर्बिट कर सकते हैं। पैन करना है तो किसी भी व्यू पे जाके आप पैन पे क्लिक करें तो आप पैन कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप रिवाइंड करना चाहते हैं कि जितने भी आपने अभी तक ऑप्शन यूज किए हैं उनको रिवाइंड करना चाहते हैं तो सभी ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे कि कैसे आपने इसको यूज किया। तो किसी भी ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करें तो वही व्यू आपके सामने एक्टिव यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं इनर वाले ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे है एक सेंटर। सेंटर जो होता है कि अगर मैं सेंटर पे क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट के पे क्लिक करूं तो उसको एज ए सेंटर लेके वो ऑर्बिट करेगा। मान लो मैं कैटल को सेंटर लेके ऑर्बिट करना चाहता हूं तो सेंटर पे क्लिक करके क्लिक एंड होल्ड करें और पाइवेट को आप कैटल पे छोड़ दें, अब ऑर्बिट करेंगे तो कैटल के अराउंड आपको ऑर्बिट करेगा। तो ये होता है सेंटर। अगर मैं लुक की बात करूँ तो वो लुक अराउंड करेगा। लुक टूल होता है जो आप लेफ्ट और राइट में इसको देख सकते हो यहाँ से। क्लियर। उसके बाद अप डाउन होता है कि आप इसे अप और डाउन करके देखना चाहते हो, जैसे पेन करते हैं वो आप यहां से कर सकते हो इजिली। अगर मैं बात करूं वॉक की तो आप वॉक कर सकते हो अपने पूरे प्रोजेक्ट में, जहां पे भी आपको वॉक करना है तो आप माउस को सिर्फ क्लिक एंड होल्ड रखें और माउस को इधर उधर ड्रैग करें तो वो वॉक करेगा आपके व्यूज पे। क्लियर है। तो ये आपके स्टीयरिंग व्हील होता है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करें डाउन एरो पे तो आपके कुछ ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले ऑप्शन है मिनी व्यू ऑब्जेक्ट व्हील। अगर आप इसे एक्टिव करते हैं तो आपका एक मिनी व्यू ऑब्जेक्ट व्हील एक्टिव हो जाएगा और इसमें चार ऑप्शन है। वो वाले चार ऑप्शन अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, फुल नेविगेशन वाले करता हूँ तो इसमें बाहर वाले चार ऑप्शन है जूम, ऑर्बिट, पैन एंड रिवाइंड। यही चार ऑप्शन आपके एक्टिव हो जाएंगे मिनी व्हील ऑब्जेक्ट व्हील पे। तो अपर पे जूम है तो आप जूम कर सकते हो, ऑर्बिट है ऑर्बिट कर सकते हो, पैन है पैन कर सकते हो और रिवाइंड है आप रिवाइंड कर सकते हो। अगर मैं एक्टिव कर देता हूँ मिनी टूर बिल्डिंग व्हील, ये क्या करेगा? ये इनर वाले आपके चार ऑप्शन को ओपन करेगा, जैसे वॉक वॉक कर सकते हो, लुक लुक कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो और आप रिवाइंड कर सकते हो। क्लियर। अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे कर देता हूँ मिनी फुल नेविगेशन व्हील तो जितने भी आपके आठ ऑप्शन थे तो वो मिनी व्हील पे यहाँ पे एडजस्ट कर देगा और आप आठों ऑप्शन को एक मिनी व्हील से यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर राइट क्लिक करता हूँ फुल नेविगेशन व्हील तो आपका फुल नेविगेशन व्हील आ जाएगा। अगर मैं बेसिक व्हील यहाँ से यूज करना चाहूँ, सिर्फ जो व्यू करे ऑब्जेक्ट व्हील को, तो इसी शेप में आपका मिनी व्हील आ जाएगा जिसमें एक होगा कि सेंटर पे जाके आप इसे ऑर्बिट कर सकते हैं और एक है जूम वाला और एक है रिवाइंड वाले, चार ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। या फिर अगर आप यहाँ से बेसिक व्हील में जाके टूर बिल्डिंग व्हील करते हैं तो वो चारों ऑप्शन इस वाले वे में आ जाएंगे। ऑप्शन वही है, आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, लुक कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है गो होम करेंगे तो वो होम पे चला जाएगा, जैसे होम पे जाते हैं। और उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। आप अगर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे यहाँ पे तो इसकी स्टीयरिंग व्हील की कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि आपको व्हील का साइज छोटा या बड़ा करना है, आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, ओपेसिटी को आप डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं,
मिनी व्हील्स जो आपके आते हैं उसके साइज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग आती है जिनको आप यूज कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ मैं यही वाली सेटिंग आपको शो करूंगा, ओके करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका व्हील यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और इसको आपको कैंसिल करना है तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करें तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। दोबारा से एक्टिव करना है तो व्यू पे जाके, स्टीयरिंग व्हील पे जाके यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। जिस भी व्यू पे जाएंगे आपको सभी व्यूज पे वो दिखाई देगा, और दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन यहीं पे हैं जो स्टीयरिंग व्हील में, सभी ऑप्शन वही हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्लियर है? तो ये था आपका स्टीयरिंग व्हील, कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से भी आप अपने व्यू पोर्ट को नेविगेट कर सकते हैं। ये भी नेविगेशन टूल है, शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टीयरिंग व्हील की हेल्प से भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहे मेरे साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। Tell me pretty